12वीं जमात चोणवीं पंजाबी दे विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत है। किताब आप बीतियां दे नाल आपां रूबरू हाँ ते हुण अगले स्वै जीवनी अंश की गल करते हैं जो कि स्वै जीवनी मेरी जीवन कहानी ते लेखक गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी जिन्हां नूं शब्दों का जादूगर कहा जाता है उन्हां दी ये रचना उस विच्चों अंश लिया होया जिसका नाम है मनुख नाल मनुख दा मेल जिंदगी दी महान घटना हुंदी है। सो इहदे नाल संबंधित प्रश्न उत्तर आपां सांझे करदे हां ते प्रीख्या दी दृष्टि तों किहड़े तरीके नाल ज़्यादा प्रभावशाली आपां उत्तर लिख सकदे हां ओह जांच भी सिखांगे। सो आओ शुरू करदे हां इह सिलसिला। गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी ने स्विट्जरलैंड की अपनी यात्रा का वर्णन किया बड़ा सोहना साफ ते प्रशंसा भरे लोगों वाला ये देश जिस दे बारे विच उसने दस्या कि इत्थों जाण नूं उसका मन नहीं सी करदा उसका सबब बन गया सी ते जिहड़ी स्विज मेज़बान औरत दे घरों रहा उस नाल भी उसके बड़े प्यार भरे संबंध बन गए सन। सो इस देश की सैर करद्या होया नाल नाल आपां प्रश्न उत्तर करते हैं बहुत संखेप उत्तरां वाले प्रश्नों के विच। पहला प्रश्न है कि मनुख का मनुख नाल मेल ये स्वै जीवनी अंश गुरबख्श सिंह की कौन सी पुस्तक चो लिया गया। सो उसकी स्वै जीवनी का नाम मेरी जीवन कहानी जिस विचों लिया गया। ज्यूरिक पहुँच के लेखक नूं किसकी तार मिली उत्तर एल जी की तार। प्रीतलड़ी अनुसार दुनिया का सब तो साफ मुल्क स्विट्जरलैंड है। गुरबख्श सिंह नूं अपनी स्विज मेज़बान चंगी नहीं लगती सी ये कथन बिल्कुल गलत है। प्रीतलड़ी उपर टॉलस्टॉय की लिखत का प्रभाव सी बिल्कुल सही। ज्यूरिक तो कुछ फासले ते सेंट मोटर्स इस मुल्क की सियाले की सैरगाह है। जिन्ना कोई दूजियां तो बेपरवाह हुंदा है उन्ना ही वो अपनी पोशाक तो बेपरवाह हुंदा है सही है। मनुख का मनुख नाल मेल जिंदगी की महान घटना हुंदी है ते मुल्कां दीयां सरहद्दां उत्ते पुलिस का प्रमाण पत्र देखना फरोलना समान फरोलना मनुख दे विच घटिया होण दा अहसास पैदा करता है। लेखक ने एम एन राय नूं मिलण लई विशेष यतन किया क्योंकि राय की पत्नी ने कहा सी। अगों साडे कोल कुछ प्रश्न उत्तर हैगे आ जिहड़े कि वड्डे उत्तरां दे रूप विच साडे सामने आउंदे हन। लेखक नूं स्विज लोकां दीयां किहड़ियां गल्लां चंगीआं लगीआं ते अगला प्रश्न लेखक अपनी स्विज मेज़बान दा उसते केड़े गुणा करके प्रशंसक बन गया। सो दोनों प्रश्न एक दूजे नाल मिलते जुलते ही आ। सो इन्हां दा आपां सांझा ही उत्तर करांगे कि लेखक नूं स्विट्जरलैंड दे लोकां दीयां खास करके मेज़बान औरत दीयां कुछ खास गल्लां पसंद आईयां। पहली गल सफाई पसंद होना मेहमान नवाजी। दूसरा गुण तीसरा गुण प्यार नाल भरपूर होना। चौथा गुण प्रशंसा दा हुनर ते पंजवां स्पष्ट ते सच्चे सुच्चे विहार विचार वाले लोग। अगला प्रश्न लेखक दी शख्सियत दे ओह किहड़े गुण हन जिन्हां सदका ओह हर नवीं थां ते चंगे मनुखी संबंध बना लैंदा है। सब तो पहला गुण तो यही है जी कि मनुखी मिलनियां दी अमिट भुख है उसके मन विच। दूसरी गल ओह प्यार ते विश्वास दा कदरदान है। उसकी शख्सियत विच प्रशंसा करनी विशेष स्थान रखती है। दूजियां नूं प्रभावित करन लई ओह सोहणा बन के रहण च यकीन भी करदा ते सफाई सुंदरता दा उपाशक है। अगला प्रश्न लेखक ने कई भावपूरत टिप्पणियां कीतियां जो उसकी शख्सियत ते की झलक पाउंदियां ने। सो टिप्पणियां बहुत सारियां जिस तरह कि उसने कहा बई कदे सारी दुनिया किसी का अपना देश होवे तां मनुख होण दा पूरा स्वाद आएगा। ये भी कहा कि हमेशा मनुख नाल मनुख दा मेल है जिहड़ा जिंदगी दी महान घटना हुंदी है। ये सारियां गल्लां साबित करदियां कि ओह कि लेखक आशावादी आदर्शवादी अते मानववादी शख्सियत दा मालिक है। अगला प्रश्न है कि लेखक अनुसार मनुख नूं मनुख होण दा पूरा स्वाद कदों आवेगा। इसका उत्तर कि स्वाद तद आएगा जदों मनुख दे मूँह दा लफ्ज़ लिखे हुए अष्टाम नालों वधेरे तबारी गिणिया जाएगा। पासपोर्ट राहदारी पत्र जां कागज़ फरोलण दी जरूरत नहीं पएगी। मनुख नूं एक दूसरे उपर इन्ना विश्वास होएगा कि कोई किसी के कागज़ा पत्रां राही उहदे सच झूठ दा प्रमाण या इस तरह की शनाखत नहीं करेगा बल्कि एक दूसरे ते यकीन होएगा। धन्यवाद।